हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइटरूम ऐप में आईडी कैसे बनाएं, अकाउंट कैसे बनाएं, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। यहाँ पे साइड स्लाइड करते जाना है और उसके बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको फेसबुक से कर रहे हैं तो फेसबुक से कर सकते हैं, गूगल जीमेल आईडी से करना चाहते हो उससे करना है तो उससे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जीमेल आईडी से लॉगिन करने के टाइम आपकी जीमेल आईडी का ही नाम यहाँ पर आता है। नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी ईयर है और जो भी मंथ है वो डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री पहले से सिलेक्टेड है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 to 10 सेकेंड लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उससे भी कम सेकेंड लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका आईडी बन गया है, अकाउंट बन गया है लाइटरूम एप्लीकेशन में, और आपको एक ईमेल भी आ जाता है। आपको अगर प्रीमियम परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं, नहीं करना है तो कट कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं इजीली आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ पे पूरी इमेज जो भी आपको एडिट वगैरह करना है इजीली यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। ये सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल में आ चुका है कि आप यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। ये सारी चीज़ें एकदम इजी है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बिल्कुल ऐसी ही आपको भी लॉगिन कर लेना है, आईडी बना सकते हैं। और अगर फेसबुक से आपको बनाना है तो फेसबुक की आईडी डालना पड़ेगा, वहाँ से भी लॉगिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि यहाँ पे आपने आईडी फेसबुक से बनाई या अपनी ईमेल आईडी से बनाई, कैसे बनाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।